तो आज की जो हमारी ये क्लास है यूजीसी नेट पे आधारित है, यूनिट नंबर फर्स्ट पर मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से यहाँ पर समाजकार्य की कुछ मौलिक मान्यताओं पर, कि कौन कौन सी जो हैं मौलिक मान्यताएं समाजकार्य के अंतर्गत आती हैं। देखिए, आप लोगों ने अगर उत्तराखंड का पेपर अगर देखा होगा तो उसमें एक सवाल पूछा गया था, यहाँ देखिए। और ये सवाल है कि समाज कार्य के अंतर्गत मौलिक मान्यता में कि व्यक्ति एवं समाज अन्योन्याश्रित है, इसलिए व्यक्ति समूह अथवा समुदाय के रूप में सेवार्थी की समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक दशाओं एवं परिस्थितियों का अवलोकन एवं मूल्यांकन आवश्यक होता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप सभी लोग? मैंने आप लोगों को बताया भी था कि व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, पूरक इनसे डिपेंडेड हैं एक दूसरे पर। तो हाँ, तो यानी ये क्या है, एक प्रकार से अन्योन्याश्रित हो गए। अच्छा, इसमें इसलिए है क्योंकि सेवार्थी समूह और समुदाय के रूप में जो भी क्रिया होती है, जिसका भी हम समस्या का समाधान करते हैं, तो वह सेवार्थी होता है। तो समूह में जो समूह के जो सदस्य हैं उनको सेवार्थी कहा जाता है। ये HB ट्रेकर ने कहा है, HB ट्रेकर ने कहा है ग्रुप में, ठीक है। और सेवार्थी के रूप में अगर हम बात करते हैं तो समुदाय की प्रक्रिया में भी सेवार्थी आता है। समुदाय एक प्रकार से सेवार्थी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उनकी समस्याओं का समाधान हेतु जो समाज की कंडीशन से जो दशा है, जो परिस्थितियां हैं, उसका पहले हमें अवलोकन करना पड़ता है, उसके बाद मूल्यांकन, और इसी के आधार पर हम उसकी समस्या का समाधान करते हैं। इतनी बड़ी जो लाइन है, ये स्टेटमेंट किसका आप कह सकते हो, जरा बताओ, यह स्टेटमेंट किसका आप कह सकते हो? हैमिल्टन। हाँ, हैमिल्टन। बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे गार्टन हैमिल्टन के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं। ये गार्टन हैमिल्टन का ही स्टेटमेंट है, इससे सवाल आ चुका है परीक्षा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्ति तथा परिवार के बीच होने वाली अंतःक्रिया। अच्छा, आप सभी को पता होना चाहिए अंतःक्रिया की डेफिनेशन, क्योंकि परीक्षाओं में बेसिकली अंतःक्रिया शब्द जो है आप लोग ऑप्शन में देखते हैं। अंतःक्रिया का मतलब होता है एक प्रकार से भीतर ही भीतर चलने वाली कोई क्रिया, बाह्य रूप से नहीं, आंतरिक रूप से चलने वाली कोई क्रिया, ठीक है। तो व्यक्ति और पर्यावरण के बीच होने वाली भीतर ही भीतर चलने वाली क्रिया को ही अंतःक्रिया कहा जाता है। इनमें आने वाली बाधाओं समस्याओं का मुख्य कारण होती है, इसलिए समाज कार्य की क्रियाविधि का केंद्र बिंदु अंतःक्रिया भी होती है। कारण ये कि हमें सबसे पहले ये फोकस करना चाहिए कि सेवार्थी के अंतःक्रिया में क्या क्या समस्याएं या इंटरनली क्या चीज़ है, बाह्य चीज़ क्या, क्योंकि बाहरी जो चीज़ें होती हैं वो हमें स्पष्ट दिखाई भी दे देती हैं, हम उसको नोट कर पाते हैं। जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उससे डेटा एक्वायर करना पड़ता है। तो विभिन्न प्रकार की समाज कार्य की जो विधियाँ वगैरह होते हैं उसको हम लगाकर सेवार्थी की अंतःक्रिया को बाहर निकालते हैं, अंतःक्रिया के माध्यम से जो समस्या है उन अंतःक्रिया की समस्याओं को हम नोट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें बेसिकली इसके अंतर्गत फिर आ जाती है। उसके बाद व्यवहार और दृष्टिकोण। व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों ही सामाजिक शक्तियों के द्वारा प्रभावित किए जाते हैं। व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों ही सामाजिक शक्तियों के द्वारा प्रभावित किए जाते हैं, इसलिए सामाजिक शक्तियों में सामाजिक हस्तक्षेप करना आवश्यक होता है। देखिए, समाजकारी हस्तक्षेप के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो प्रक्रिया जब भी इन्वॉल्व होती है तो वहाँ जरूर आपको एक शब्द लिखा मिलेगा, व्यवहार, और व्यवहार का ही हस्तक्षेप होता है। आप यूनिट नंबर 9 देख लीजिए, यूनिट नंबर 10 देख लीजिए, यूनिट नंबर 8 देख लीजिए, इनके जब यूनिट में आप लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, यूनिट के अंदर लिखा है समाजकारी की हस्तक्षेप। तो ये प्रक्रिया बेसिकली क्या होता है, इंटरवेंशन, यानी इंटरवेंशन का मतलब होता है एक प्रकार शीघ्र हस्तक्षेप करना, अर्ली इंटरवेंशन, उसकी तुरंत समस्याओं का समाधान करने के दृष्टिकोण से इसको देखा जाता है, ठीक है। व्यक्ति एक संपूर्ण इकाई है, ठीक है, इसलिए उनसे संबंधित आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की दशाओं का अध्ययन आवश्यक होता है। ये देखो, पहली पॉइंट जो मैंने बताया वही चीज़ें यहाँ पर देखिए साफ शब्दों में लिखा हुआ दूसरे पॉइंट करके, ठीक है। समस्या के अनेक स्वरूप होते हैं, बिल्कुल बात सत्य है,
हम बात भी कर रहे हैं 8:30 बजे जो भी सामाजिक समस्याएं हैं एक एक करके, है ना, ऐसे तो कई समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं पर बातचीत करेंगे हम लोग। तो इसलिए इनके समाधान हेतु विविध प्रकार के कौशल की आवश्यकताएं भी होती है, जबकि समस्याएं अद्वितीय होती हैं हर एक व्यक्ति की, क्योंकि हर एक व्यक्ति यूनिक होता है तो समस्याएं भी अलग अलग होंगी, इसलिए उन समस्याओं के समाधान करने के लिए विधियां भी यूनिक होनी चाहिए, है ना। तो यानी जिस टाइप की समस्या होगी उसी तरीके से उनका समाधान भी किया जाता है उस तरीके से, ठीक है। तो सब सब पर एक विधि लागू नहीं हो सकती है, एक टेक्निक लागू नहीं हो सकती है, ना ही एक स्किल एक सिद्धांत लागू नहीं हो सकता। विविध प्रकार की समस्याएं जो हैं उसके लिए विविध प्रकार के कौशल की आवश्यकता पड़ सकती है, विविध प्रकार की टेक्निक की आवश्यकता पड़ सकती है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। समाजकारी में मान्यताएं बेसिकली एक हेलन क्लार्क महोदय हैं, इन्होंने 6 मान्यता दिया है, 6 मान्यता। ये देखो हिंदी का जो है 6 लिखा हुआ है, ठीक है, 6 लिखा हुआ है हिंदी का, इंग्लिश में 6 इस तरीके से होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए इसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि समाजकार्य एक व्यवसाय है, अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर भी, तो समाजकार्य व्यवसाय भी आपको मिलेगा। मानव व्यक्तित्व को समझना है, ये उन्होंने बताया है मान्यता। समाजकार्य और समाज कल्याण दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं, सोशल वेलफेयर, हालांकि समाजकारी जो होता है वो कल्याणकारी क्रियाओं पर ही बल देता है, लेकिन कल्याणकारी जो क्रियाएं होती हैं वो जब आप पोस्ट कार्ड पढ़ेंगे या समाज कल्याण प्रशासन पढ़ेंगे तो उसमें अलग प्रोसेस होता है, क्योंकि नीति कार्यक्रम योजनाएं वगैरह बनाकर लोगों को जागरूक किया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि समाज कार्य अलग मेथड बन जाएगा और सोशल वेलफेयर अलग मेथड बन जाएगा, ठीक है। आपने एक विद्वान का नाम सुना होगा, फ्लोरेंस होलिस का नाम, फ्लोरेंस होलिस का नाम सुना है आप लोगों ने? जी सर। फ्लोरेंस होलिस ने बेसिकली क्या कहा है मैं आपको बता दूं कि समाजकारी में जब व्यक्ति क्रिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि केश वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क ये प्रत्यक्ष प्रणाली है, है ना, और सोशल वेलफेयर, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल रिसर्च एंड सोशल एक्शन ये ना अप्रत्यक्ष प्रणाली है, ये अप्रत्यक्ष प्रणाली है। तो इस तरीके से इन्होंने संबोधित किया है प्रत्यक्ष शब्द और अप्रत्यक्ष शब्द को लेकर, ठीक है। तो आप यहाँ पे अलग कह सकते हो कि क्योंकि समाजकारी की प्रक्रिया अलग और समाज कल्याण प्रक्रिया अलग, वहीं समाज की अपनी प्रक्रियाएं और कार्य करने की प्रवृत्तियाँ होती हैं लेकिन निपुणताओं में अधिक सम्मिलित होती हैं, मतलब अलग अलग नेचर उसकी जो है देखने को मिलता है प्रक्रिया, या अभी हम बात करेंगे उसकी प्रकृति क्या होती है समाज कार्य के। तो समाज की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो कार्य करने की जो प्रवृत्ति होती है उसकी, ठीक है, वो अलग होती है, ठीक है, निपुणताओं में अधिक जो है सम्मिलित पाया जाता है इसमें, टोटल जो है बेस्ड है अवसर पर, टोटल बेस्ड है अगर हम बात करें एक्सपीरियंस वाले में प्रयोग करने पर, है ना, प्रैक्टिकल है तो इसी क्रिया पर बताता है कि निपुणताओं पर ये अधिक सम्मिलित है, निपुणता मतलब स्किल यानी कौशल, ठीक है, कौशल पर बेस्ड है। सामाजिक कार्यकर्ता को अपनी समुदाय के संसाधनों के बारे में बहुत गहरी जानकारी होनी चाहिए, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो ग्रुप वर्क हो चाहे वो केस वर्क हो, जब भी आप काम करें तो उन क्रियाओं में आपको संसाधन इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जिस टाइप की समस्या होगी उसी तरीके का जो है क्या संसाधन भी होने चाहिए, है ना, कोई कार्य आप जो है बिना संसाधन के नहीं कर सकते हैं, पता चले कि आप चले गए तो, और इसी तरीके से अपने बातों से ही या लिख कर उसकी समस्या का समाधान कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है। जब भी उसके साथ आप क्रिया करेंगे कार्य करेंगे तो आपके पास संसाधन का होना अत्यंत आवश्यक है ना, रिसोर्सेज। सामाजिक कार्यकर्ता को व्यक्तिक और पर्यावरणीय आवश्यकताओं से अवगत होना चाहिए, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता को अगर मैं बात करूं तो व्यक्तिक के परिप्रेक्ष्य में भी पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में भी उसे सभी प्रकार की जो नीड वहाँ पर है उस सेवार्थी के संबंध में उन सभी के बारे में उसके पास जानकारी होनी चाहिए, है ना, और वहाँ पर व्यक्तिगत समस्या का कारण भी बन जाती है ये, यहाँ पर व्यक्ति भी बन सकता है पर्यावरण भी बन सकता है, जब इसके पास नॉलेज होगा तो वो उन समस्याओं से उसे निजात दिला सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम बात करेंगे समाज कार्य के क्षेत्रों पर, ठीक है, समाज कार्य के क्षेत्र यहाँ पर बेसिकली 8 बताया गया है कि मेजर एरिया है सोशल वर्क के, है ना। समाज कार्य का क्षेत्र बहुत व्यापक है, है ना, और इस संबंध में अगर मैं बात करूं तो एरियाज कई पार्टों में हम लोग इसको देखते भी हैं, समाज कार्य का जो एरिया है जो क्षेत्र है उसके कई पार्ट में हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब क्षेत्रों में अगर हम वर्णन करते हैं समाज कार्य के अंतर्गत, आप मेरी आवाज़
क्लियर है, आवाज क्लियर है, एक बार स्पष्ट करिए। जी सर, जी सर क्लियर। एक बार म्यूट करिएगा, देखो कोई बच्चा बैकग्राउंड आवाज आ रहा है ना, म्यूट हो जाएगा। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं कि समाज कार्य है ना, कौन बच्चा है, अनम्यूट है, नंदराज भाई प्लीज समझिए बात को भाई, है ना, म्यूट हो जाइए एक बार। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 8 मेजर एरियाज हैं सोशल वर्क का, तो कहने का मतलब यह है कि विषय बहुत व्यापक है। इसका कारण यह है कि जहाँ कहीं कोई समस्या होती है तो व्यक्ति की प्रभावी सामाजिक क्रिया और उनके समायोजन के मार्ग को बाधित करने वाली समस्याएं भी होंगी, तो वहाँ समाज कार्य की सहायता की आवश्यकता पड़ जाती है। तो कुछ अब मैंने यहाँ पे मेजर में मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट्स रखा है, ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बाल एवं परिवार सेवा। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि बच्चों के संबंध में समाज का जो एरिया है, बाल विकास की बात करते हैं, बाल विकास ना समाज सेवा के विशेष क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है बाल विकास, ठीक है। बच्चों को राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता है बच्चों को, इसलिए प्रत्येक राष्ट्र बच्चों के पालन पोषण और देखभाल के लिए यथासंभव प्रयास करता है। सरकार जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न नीतियाँ बनाती हैं और उसी के अनुसार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, और इस कार्यक्रम में ना मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाएं, पोषण सेवाएं, पूर्व माध्यमिक विद्यालय या शिक्षा या स्कूल समाज कार्य इत्यादि एरियाज, यही एरियाज नहीं बहुत सारे एरियाज हैं, उन सभी में एक अहम भूमिका निभाई जाती है। तो इसलिए जो चाइल्ड, देखो मैं बता दूँ सोशल वर्क में मैंने पहले बता रखा है कि बच्चों से संबंधित, वृद्ध से और महिलाओं से संबंधित, 3 ऐसा एरिया है, इनसे परीक्षा में सवाल हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक एरिया आपका ये बन जाएगा बाल एवं परिवार सेवा, दूसरा एक बन जाएगा स्कूल समाज कार्य, यानी विद्यालय में आप लोगों ने देखा होगा काउंसलर वगैरह की वैकेंसी आती है, उसमें भी इसकी एक अहम भूमिका मानी जाती है। जरा चिकित्सा यानी वृद्धों से संबंधित है, ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं जरा चिकित्सा है ना, जो समाज कार्य। अच्छा, वृद्धों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जेरेंटोलॉजी कहा जाता है ना, ये ध्यान रखिएगा, जरा चिकित्सा भी वहाँ पे आता है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं, ये बहुत ही ईजी है, जहाँ मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में जो सेवाएं प्रोवाइड कराई जाती है उस एरिया में हॉस्पिटल्स वगैरह भी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाते हैं। चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गया, जहाँ पे कोई भी एरिया जो भी कोई अगर आप उसे मेडिकल के थ्रू जो भी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं वो सार्वजनिक संबंध में प्रोवाइड, तब के लिए समान प्रक्रियाओं में भी निःशुल्क वाले में, तब भी आप इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी मेंशन कर सकते हो, मेडिकल को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। वहीं सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता की बात करते हैं, कम्युनिटीज में भी होता है, प्रवासीय जनसंख्या और यहाँ शब्द जो है यूज़ करते हैं, है ना। युवा में भी हम अगर बात करते हैं तो युवा कल्याण के लिए भी होता है, औद्योगिक सेटिंग यानी आप ये कह लीजिए कि उद्योगों से भी संबंधित है ये, है ना, ये उद्योगों से भी संबंधित है। तो इसके कई ऐसी एरियाज हैं जिसपे हम लोग जो है बातचीत करते हैं, है ना। एक बार थोड़ा थोड़ा सा देख भी लेते हैं बाल एवं परिवार सेवाओं को लेकर। समाज कार्य के व्यवसाय के भीतर, पेशे का मतलब व्यवसाय होता है, पेशे के भीतर अभ्यास के एक विशेष क्षेत्र के रूप में बाल एवं परिवार कल्याण का अभ्यास एक अनूठा क्षेत्र माना जाता है, मतलब एक यूनिक क्षेत्र माना जाता है। और समाज कार्य व्यवसाय के सिद्धांत और मूल्य आमतौर पर यानी जनरली उन नीतियों के अनुरूप होते हैं जहां जो आधुनिक बाल कल्याण संगठनों का मार्गदर्शन करती है, जैसे आज के समय में बच्चों को लेकर जो है बहुत सारी NGOs हैं चला रहे हैं, बच्चों के मार्गदर्शन दे रहे हैं, है ना, बच्चों के भविष्य को लेकर वहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो उनको लेकर बहुत चिंतित प्रक्रिया रिप्रेजेंट की जा रही है और उनकी समस्याओं का भी निदान भी किया जा रहा है। इस तरीके की चीज़ें जो है इसके अंतर्गत मिलती हैं। बच्चे साथ ही उनके माता पिता भी अभिभावक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को लाभान्वित हो सके, ठीक है, और पेरेंट्स को भी काउंसलर यानी मेडिकल सोशल वर्कर या सामाजिक कार्यकर्ता उनको जो है क्या करता है, मार्गदर्शन देता है, ठीक है, अभिभावक को भी, ठीक है, ये भूमिका इसके अंतर्गत आती है। इस वजह जब अभिभावक की भूमिका आ जाती है तो परिवार का भी एक पार्ट बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, स्कूल समाज कार्य के बारे में। स्कूल के सामाजिक कार्यकर्ता प्रशिक्षित पेशेवर होते हैं जो स्कूल से संबंधित चिंताओं और व्यक्तिगत समस्याओं वाले बच्चों की सहायता करने में विशेषज्ञ होते हैं, जो स्कूल और घर पर प्रभावी ढंग से काम करने की उनकी क्षमता में बाधा डालते हैं,
पेशेवर मतलब व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता जो स्कूल समाज कार्य में शामिल है, सामुदायिक संसाधनों और छात्रों के बीच जो है एक कड़ी के रूप में प्रदान की जाती है जिसे विशेष सेवा या आवास की आवश्यकता होती है, तो छात्र सहायता सेवाओं के क्षेत्र में स्कूल समाज कार्य की एक अभिन्न अंग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी भूमिकाएं हैं जो इसके अंतर्गत निभाती है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा इन सभी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा 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 मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? नहीं सर, क्लियर है। ओके ओके, चलिए तो आगे बात करते हैं। ठीक है, इन चीजों को आप लोगों को जो है ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो स्कूल समाज कार्य के बाद आपका ये देखिए, स्कूल समाज कार्य की थोड़ा सा पोस्टर वगैरह भी मैंने लगा रखा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। वृद्ध सामाजिक चिकित्सा यानी वृद्धों को लेकर, देखिए आप सबको भली भांति तरीके से आप जानते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों के संबंध में विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी आप लोगों ने देखा है ना। वर्तमान में आधुनिककरण और शहरीकरण आदि के कारण विकास की समस्याएं जो हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक सभी स्तरों पर गंभीर हो गई है। जीवन बीमा, समाज कल्याण सेवा, स्वैच्छिक संगठन, विभिन्न प्रकार की जो है भविष्य निधि, पेंशन, जो है ग्रेचुटी एक बीमा योजना है आदि के माध्यम से ना सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ वृद्धावस्था में स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा न्यूज़ वगैरह में, तो वो भी भूमिका बेसिकली समाज कार्य का ही पार्ट माना जाता है, इसलिए वृद्धावस्था समाज कार्य कार्यकर्ता यहाँ पर एक अपनी अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इसके अंतर्गत, है ना। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर अगर बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, है ना। स्वास्थ्य तो आप सभी लोगों को भली भांति तरीके से पता भी होगा, आप जानते भी होंगे, है ना। यहाँ अगर हम बात करते हैं सिंपल शब्दों में कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या क्या हो सकती हैं, तो इसके अंतर्गत जैसे कि अगर मैं आपसे एक बात बताऊँ, मानसिक स्वास्थ्य तो संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और भावनात्मक इत्यादि स्तरों का क्या करता है, वर्णन कर देता है ना। मानसिक स्वास्थ्य तो सजगता वह स्थिति होती है जिसमें हम अपने मस्तिष्क और हमारे आसपास चल रही चीज़ों के बारे में जागरूक रहते हैं, लेकिन इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते तो उस परिपेक्ष में वह एक प्रकार की समस्या रिप्रेजेंट हो जाती है ना। तो जैसे आप लोगों ने आज के समय में सुना भी है मानसिक बीमारियां या वैष्णव वाले ग्राहकों, यानी ग्राहक का मतलब होता है क्लाइंट, क्लाइंट का मतलब होता है सेवार्थी। ठीक है, इसका मतलब तो मानसिक स्वास्थ्य में विशेषज्ञता वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। सामाजिक कार्यकर्ता मानव प्रणालियों की अपनी समझ के साथ मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित लोगों में सह होने वाली विकारों के प्रबंध में विशेष प्रकार के सहायक हो सकता है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में समस्याएं उभर कर आती है सामने, उन समस्याओं को निजात दिलाने में सामाजिक कार्यकर्ता की एक अहम भूमिका देखने को मिलती है। विभिन्न प्रकार के डिजीज हैं, विकार हैं, ठीक है, उनके माध्यम पे यानी जिस टाइप का उसका विकार है उसी के आधार पे उसकी समस्याएं के जो है सुलझाने के लिए अपने टेक्निक, थेरेपी वगैरह सामाजिक कार्यकर्ता लागू करता है उस पर। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चिकित्सा की बात कर लेते हैं अगर हम लोग यहाँ पर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है इसके अंतर्गत, है ना। चिकित्सा या आप ये कह लीजिए कि मनोचिकित्सा के माध्यम से समाज कार्य करना या चिकित्सा या जन स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से कार्य करना, उन परिपेक्ष में इसका देखने को मिलता है। सिंपल बात मैं कहूँ, चिकित्सकीय और मनोचिकित्सकीय समाज कार्य जो है इसी का पार्ट है। सिंपल शब्दों आप इसको समझ सकते हो। देखो, शारीरिक बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए चिकित्सकीय समाज कार्य किया जाता है। मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोगों के साथ मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्य किया जाता है कि नहीं। ये दो बातें याद रखिएगा, शारीरिक बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए मेडिकल सोशल वर्क यानी चिकित्सा समाज कार्य, और मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए मनोचिकित्सा समाज कार्य। समझ रहे हो ना मेरी बात को? बताओ, बोलो भाई। और सामाजिक कार्यकर्ता जो है बीमारी से पीड़ित लोगों के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करेगा और विभिन्न क्षेत्रों में जानकारी प्राप्त करके समस्या का समाधान करता है और आवश्यकता के अनुसार उपचार का भी वो सलाह देता है। इस तरीके की क्रियाएं बेसिकली चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य सेवाओं से रिलेट कराता है। ठीक, आप यहाँ देख सकते हो नर्सिंग देखभाल हो गया, पोषण कक्षाएं, उपचार हो गया, अन्य बातों के अलावा भी बहुत सारी क्रियाएं बेसिकली इसके अंतर्गत शामिल हो जाती है। उसके बाद सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता, हाँ बेसिकली ये कम्युनिटी को रिलेट करके बताया जा रहा है ना। अब देखिए सामुदायिक विकास के क्षेत्र में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता के संदर्भ में एक विस्तृत श्रृंखला और अभ्यास क्षेत्रों के एक विस्तृत श्रृंखला में पाए जा सकते हैं।
प्रणालीगत सरोकार जो समाज समस्याओं में योगदान करते हैं उन सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा संबोधित किए जाते हैं जो सामुदायिक विकास और सामुदायिक आयोजन की दृष्टि से अपना काम करते हैं। बहुत समय तक वे व्यक्तिगत समस्या का समाधान तकनीकों के प्रकारों में भी लगे रहते हैं जो ये समाज कार्य की भूमिका की विशेषता को रिप्रेजेंट करती है। कहने का तात्पर्य ये है कि समुदाय में हम क्या करते हैं, जो उस कम्युनिटी के लोग हैं उन कम्युनिटी में एक कॉमन समस्या को लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी उस कम्युनिटी में ना COVID-19 के बारे में जानकारी को नहीं है, तो मेडिकल सोशल वर्कर या सामाजिक कार्यकर्ता क्या करता है वहाँ पर उस जागरूकता के बारे में उस कम्युनिटी को करता है। तो यानी उस पर आप लोगों क्या करना है वह कि उस समुदाय को जागरूक करना होगा उसके लिए। अब उसके लिए चाहे बैनर, ये संसाधन हो जाएगा, बैनर हो जाएगा, माइक हो जाएगा, ये संसाधन हो जाएगा, ठीक है, विभिन्न प्रकार के संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, आप उन संसाधनों के माध्यम से उस कम्युनिटी को क्या करोगे, जागरूक करोगे। बैनर, पोस्टर, वॉल भित्ति एक होता है, पोस्टर जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, वॉल भित्ति उसी को कहा जाता है, इत्यादि जो चीज़ें आती हैं उसी के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो हम जब कम्युनिटी वर्क पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी कम्युनिटी वर्क की टेक्निक हैं। प्रवासी आबादी और शरणार्थियों के संबंध में भी यहाँ पे एक चीज़ें देखने को मिल जाती है। बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूँ शरणार्थियों के संबंध में, है ना, तो उनके लिए भी विभिन्न प्रकार के कानून वगैरह की भूमिका यहाँ पर देखने को मिल जाती है शरणार्थियों के लिए, है ना। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिए। जैसे मैं आपसे कहूँ सामाजिक सुरक्षा को लेकर बात करना, सामाजिक नीति नियोजन का लेकर विकास की बात करना, कानूनी सहायता के लेकर बात करना, इन संबंधों में भी जो है प्रवासी आबादी और शरणार्थियों का नाम मिल जाता है। कानूनी सहायता क्या होता है, कानूनी सहायता को भी ना समाज कार्य के दायरे में ही रखा गया है। कई देशों में समाज कार्य जनहित के विवादों और गरीबों के लिए कानूनी सहायता योजना के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान किया जाता है। दरअसल बात यह है कि गरीबों और शोषित और पीड़ितों को कानूनी सहायता की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि उन्हें न्याय मिल सके। इस संबंध की प्रक्रियाएँ भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिलेट करा सकते हैं प्रवासी आबादी और शरणार्थी में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। और मुझे मालूम है कि आप सब जानते भी होंगे शरणार्थी किसे कहा जाता है, आप बता सकते हो क्या मुझे, शरणार्थी अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर तो आप सर जो रिफ्यूजी होते हैं जो दूसरे देश से हमारे घर शरणागत ले लेते हैं वो शरणार्थी होते हैं। बिल्कुल आप यहाँ पे कह सकते हैं, देखो असहाय और विस्थापित वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं को हम लोग शरणार्थी नाम से बोलते हैं। परंतु यहाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ तो समाजकारी के दृष्टिकोण में शरणार्थी वह है जिनके पास युद्ध या प्राकृतिक आपदा और उत्पीड़ित के कारण अपना देश छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा होता है, तो उस प्रक्रिया वाले चीज़ों को हम लोग शरणार्थी शब्द से क्या करते हैं, रिलेट कराते हैं। तो वे लोग हैं जो सभी दूसरी जगह पर जाकर रहते हैं सर, अपने अपने गांव देश को छोड़कर। बिल्कुल, शरणार्थी वे लोग हैं जो अपने देश से भागने और दूसरे देश में सुरक्षा की तलाश करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उन्हीं शब्दों को यहाँ पर बेसिकली शरणार्थी शब्दों में रिलेट किया गया है, है ना। तो इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा शरणार्थी के संबंध में भी। औद्योगिक सेटिंग की बात करते हैं, देखिए ये भी एक अहम क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। औद्योगिक रणनीति आप कह सकते हैं यहाँ पे जो सेटिंग शब्द को रिलेट कराया गया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी देश की औद्योगिक नीति या औद्योगिक रणनीति अर्थव्यवस्था के सभी या उसके हिस्से के विकास और वृद्धि को ना मोटिवेट करने की एक आधिकारिक राजनीतिक प्रयास है जो अक्सर विनिर्माण क्षेत्र के सभी या उसके हिस्सों पर केंद्रित हो जाती है। तो वहाँ पर एक बात कही गई कि औद्योगिक व्यवस्थाओं में एक व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता को सेवाओं की मांग की जाती है जो पूरी तरह से कर्मचारियों को उसके मुद्दों पर काबू पाने की सहायता करने और उन्हें सामान्य उत्पादक मनुष्यों के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाने पर केंद्रित होता है। वही बातें मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि आधिकारिक राजनीतिक या रणनीतिक प्रयास है जो अक्सर विनिर्माण क्षेत्र के सभी या उसके हिस्सों पर वो केंद्रित होती है। वही चीज़ें यहाँ पर इसके अंतर्गत रिलेट होती है। तो औद्योगिक क्षेत्र में रणनीति बेसिकली अहम भूमिका है जहाँ इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूँ पारंपरिक व्यापार योग्य वस्तुओं और सेवाओं में विविधीकरण को लेकर बात करना या ज्ञान अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना, अधिक श्रम अवशोषित औद्योगिकरण की ओर बढ़ना, इस तरीके की प्रक्रियाएँ बेसिकली इसके अंतर्गत शामिल होती है। उद्योग से रिलेट कराता है ये एरिया भी, तो उद्योग वाले क्षेत्र में भी समाज कार्य का एरिया जो है बेसिकली मेंशन किया गया है, ठीक है।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कुछ अन्य क्षेत्रों को बात अगर हम करते हैं समाजकारी में, तो एक क्षेत्र आता है यहाँ पर आपके सामने, श्रम कल्याण। जैसा कि आप सबको भलीभांति तरीके से मालूम होगा, श्रम कल्याण का अर्थ है कि श्रमिकों का कल्याण करना, है कि नहीं। या भी समाजकारी का अगर हम बात करें आप लोगों से, तो एक विषय है, तो इस समाजकारी के विषय क्षेत्र का महत्वपूर्ण पहलू भी माना जाता है। भारत में श्रम कल्याण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। श्रमिक कल्याणों का अर्थ है उन सेवाओं और सुविधाओं में समझा जाना चाहिए जो कारखाने के अंदर या आसपास के स्थानों में स्थापित की गई है, ताकि उनके काम करने वाले जो श्रमिक हैं स्वास्थ्य और शक्तिशाली परिस्थितियों में अपना काम कर सके और सुविधाओं का लाभ उठा सके, उनके स्वास्थ्य और नैतिकता को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो भारत की श्रम नीति की एक आधारशिला संविधान है, जिसमें आपने पढ़ा है DPSP। ठीक है, तो वह भी भूमिका इसके अंतर्गत आ जाती है। श्रम यानी लेबर वेलफेयर का भी भूमिका एक क्षेत्र को रिलेट कराती है। एक है बाधितों का कल्याण। बाधितों का कल्याण का मतलब सिंपल होता है, यह दिव्यांगता से रिलेट कराता है। बाधित या विकलांग या दिव्यांग व्यक्तियों का सबसे अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, जैसा कि आप सबको मैंने पहले भी बता चुका हूँ। यदि मैं आपसे बात करूं कि परिवार और समुदाय में एकीकृत नहीं हुआ, नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता है, तो उनका जीवन कठिन हो जाता है। दिव्यांग व्यक्तियों के दो श्रेणियों में बांटा भी गया है, शारीरिक रूप से अक्षम और मानसिक रूप से दिव्यांग। अगर आप RPWD एक्ट पढ़ते हो तो डिसेबिलिटी का कुल टोटल 21 टाइप की डिसेबिलिटीज देखते हो। 21 टाइप की डिसेबिलिटीज भी यहाँ पर बाधितों के कल्याण पर आप यहाँ पर इन्वॉल्व कर सकते हो, नो डाउट। ठीक है, परंतु अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में किसी को बताना है तो आप कह सकते हो कि दो टाइप का होता है, एक शारीरिक रूप से जो अक्षम लोग होते हैं उनका, दूसरा आप बता सकते हो जो मानसिक रूप से अक्षम होते हैं वो। ठीक है, अब इन्हीं दोनों के अंतर्गत जो है 21 टाइप की डिसेबिलिटीज भी इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। परंतु जैसे खून से संबंधित भी कुछ चीज़ों को मेंशन किया गया था बीमारी में, है ना, तो उस क्रिया को भी शारीरिक रूप में डाल दिया था, इन्वॉल्व कर दिया था। तो ये तो मैं आपको, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी इतना चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा अवश्य। अगर कोई पूछता तो आप जरूर बताइएगा, दो टाइप का भी हो सकता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण की बात करता है। समाज के पिछड़े वर्गों का कल्याण और उन्हें अन्य वर्गों के बराबर आने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करना कल्याणकारी राज्य का मुख्य कार्य माना जाता है। यह भी समाजकारी का विषय क्षेत्र का एक पहलू है। भारत में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कमजोर वर्ग को बेसिकली शामिल किया गया है। उनके उत्थानों के लिए आरक्षण की जो सुविधाओं के अलावा सरकार द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है, जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछली क्लासेस में 8:30 वाले में विभिन्न प्रकार की योजनाएं, तो उन योजनाओं का आप सोच सकते हो यहाँ पर कि कमजोर वर्गों के लिए चलाया गया है, अनुसूचित जाति के लिए चलाया गया, अनुसूचित जनजाति के लिए चलाया गया, सामान्य लोगों के लिए भी चलाया गया है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जो लोग उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। तो इस तरीके का एक क्षेत्र होता है, एक एरिया होता है। चिकित्सा मनोचिकित्सा मैंने पढ़ाया अभी आप लोगों को, चिकित्सा जो वो एरिया होता है जहाँ आप ये कह सकते हो कि शारीरिक बीमारी से पीड़ित लोगों का अगर कोई क्रिया हो रही है तो चिकित्सकीय समाज कार्य हो रहा है, मानसिक बीमारी से पीड़ित होने वालों के साथ अगर कोई क्रिया हो रही है तो वो मनोचिकित्सकीय समाज कार्य हो रहा है। तो इस तरीके के माध्यम से हम उपचार कर सकते हैं, तो ये भी एक एरिया माना जाता है। ग्राम विकास की बात करें, ग्राम्य विकास का मतलब होता है सीधा ग्रामीण एरिया को रिलेट कर देना। ग्रामीण विकास में भी समाज कार्य के विषय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है, ये बात आपको भी पता है। सभी विकासशील देशों में अधिकांश जनसंख्या गांव में ही निवास करती है, ये आप जानते हो, है कि नहीं। इसलिए हर सरकार ग्रामीण विकास के लिए निरंतर प्रयास करती है, ताकि ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया जा सके आसानी से। और साथ ही साथ अगर मैं आप लोगों से विचार विमर्श ये भी करूँ, तो आप ये कह सकते हो कि उसके अंतर्गत ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान जब करेंगे तो उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की भी क्रिया ग्रामीण विकास के ही एरिया को रिलेट कराएगी, है ना, उसका जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। भारत में ग्रामीण विकास और उसकी जो उप योजनाएँ हैं उसके लिए एकीकृत करना है, ताकि ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में ग्रामीण युवाओं को रोजगार हेतु ग्रामीण युवा प्रशिक्षक से संबंधित अनेक कार्यक्रम जो है चलाया जा सके, जैसे ग्रामीण जिला पूर्ति हो गया, स्वच्छता हो गया, स्वास्थ्य हो गया, खेती हो गया, इत्यादि को चलाया जा रहा है, ये कार्यक्रम है, है ना, इन कार्यक्रमों पर। ठीक है, वो रहा बैठते हैं फ्रिज पे। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना होगा, ये बेसिकली विलेज डेवलपमेंट या रूरल डेवलपमेंट एरियाज को जब रिलेट कराएगा तो उसमें आपको ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगा। हाँ जी जी, कुछ कह रहे हो, कोई डाउट है बता दीजिए।
कोई डाउट है यहाँ? नो सर। चलो फिर, नहीं सर कुछ नहीं सर। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो एक एरिया आता है सामाजिक सुरक्षा भी और एक आपराधिक सुरक्षा भी। आप दोनों के एक साथ भी मेंशन कर सकते हो या तो अलग अलग भी कह सकते हो। सामाजिक सुरक्षा आप सभी लोगों को पता है, देखो मैं आपको बता दूँ, सामाजिक प्रतिरक्षा हो और सामाजिक सुधार हो, ये दोनों एक ही चीज़ को रिलेट करता है क्योंकि समाज कार्य का विषय के क्षेत्र के अंतर्गत ये शामिल है। सरकार ने आज जो अगर हम बात करें तो आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं, जैसा कि आप सभी को भलीभांति तरीके से पता है, आपराधिक सुधार के लिए, ये बात आप जानते हैं। बाल अपराध हो या उपेक्षित किशोरियों या वृद्धाजन या अलक्षित व्यापार में संलग्न महिलाएं, बालिकाएं, मद्यपान, शिक्षा आदि के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम वगैरह होते हैं वो कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिरक्षा की ही बात करते हैं या सुरक्षा या रक्षा की ही जिक्र करते हैं, तो उस प्रक्रिया में भी आपराधिक सुधार का हम बात कर सकते हैं। इन दोनों को एक साथ आप रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सामाजिक सुधार सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा की बात अगर हम लोग करते हैं, इसका तात्पर्य या इसका अर्थ समझ लीजिए। सामाजिक सुरक्षा का अर्थ जो होता है, कुछ ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों को चलाकर समाज द्वारा उन तरह के विभिन्न प्रकार की जो आकस्मिकताएं होती हैं, उन आकस्मिकताओं के पीड़ितों की सुरक्षा करना, जो काम करने वाले व्यक्ति हैं ना उन व्यक्तियों की क्षमता को प्रभावित करती है। ये जैसे सामाजिक बीमा हो गया, जन सहायता हो गया, जन सेवा प्रमुख हो गया, ये सभी जो है सामाजिक सुरक्षा का ही पार्ट है। सरकार ने श्रमिकों और श्रम जो आपूर्ति योजना है, कर्मचारी राज्य बीमा योजना है, कर्मचारी भविष्य निधि योजना है, परिवार पेंशन है, जीवन बीमा योजना है ना, फसल बीमा योजना है आदि कई तरह के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं वो सामाजिक सुरक्षा का ही पार्ट कहीं ना कहीं रिलेट होते हैं। सामाजिक नीति नियोजन और विकास की बात करते हैं। सामाजिक नीतियाँ, योजना, विकास समाज कार्य का विषय क्षेत्र ही है। आज का युग अगर हम बात करते हैं सुनियोजित सामाजिक परिवर्तन का युग है। प्रत्येक समाज अपने सदस्यों का अधिकतम सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार है ना, विभिन्न प्रकार, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो सामाजिक नीतियां बनाता है, समाज सेवा विशेषज्ञ, समाज शास्त्री या अन्य सामाजिक वैज्ञानिक नीति निर्माताओं की सहायता करके उन्हें उचित दिशा निर्देश देकर विभिन्न जो है आयोग हैं उनके सदस्यों को बनकर सामाजिक नीतियों के निर्माण और प्रभावी क्रियान्वयन में अपना विशेष योगदान देते हैं। तो सामाजिक नीतियां नियोजन के विकास पर भी बल दिया जाता है। आधुनिकीकरण है। आधुनिकीकरण सिंपल सी बात है, जैसा कि मैं बताऊं आज की प्रक्रिया में जो चीज़ें चलाई जा रही है एक प्रकार से परिवर्तनशील प्रक्रिया है ना, और दिन प्रतिदिन जो भी क्रियाएँ इसके अंतर्गत शामिल होता है वो एक टेक्निकल मेथड से यूज़ होता है, एक उपकरण के माध्यम से यूज़ होता है, तो हम इस परिपेक्ष में आधुनिकीकरण को रिलेट करते हैं। अगर आपसे मान लीजिए बाय द वे पूछा भी गया कि आधुनिकीकरण का भाव बताइए, तो आधुनिकीकरण का भाव वो कहलाते हैं जहाँ पर व्यक्ति, समूह एवं समाजों में विश्व के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण और परिपेक्ष का उदय हो, दृष्टिकोण या परिपेक्ष का उदय हो, तो उस प्रक्रिया में हम इसको नवीनीकरण कहते हैं या आधुनिकीकरण कहते हैं, जहाँ विज्ञान एक अहम भूमिका निभाता है तो उस परिपेक्ष में आधुनिकीकरण का नाम हमें देखने को मिलता है। तत्पश्चात हम बात करते हैं कानूनी सहायता। जैसे मैंने आपको बताया कि समाज कार्य जनहित के विवादों और गरीबों के लिए कानूनी सहायता योजना के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने की भूमिका भी होती है, इसलिए कानूनी सहायता भी है। ये समाज कार्य की जो है एरियाज है। पर्यावरण संतुलन की बात करते हैं। एनवायरमेंट में जैसे इस पर्यावरण में क्या होता है, पर्यावरण विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं है ना, पर्यावरणीय संतुलन के अंतर्गत अगर मैं बात करता हूं तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, बता सकते हो क्या पर्यावरण संतुलन की? जैसे भाई जंगल काटने हो गया, बिल्कुल, जैसे कि विभिन्न प्रकार के जैसे पर्यावरण में जैसे आपने भी किसी ने बताया है अभी वृक्षों को कटाई से है ना, वृक्षों की कटाई होती है, वृक्षों को कटाई से पेड़ लगाना एक प्रकार से, हाँ विभिन्न प्रकार के जो पहले के पशु पक्षी पशु वगैरह थे उनका भी विलुप्त हो जाना भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से पर्यावरण को भी ये नुकसानदायक ही है प्रकृति में। तो प्रकृति का संतुलन जिसके पारिस्थितिकी संतुलन के रूप में ही जाना जाता है एक सिद्धांत है जो प्रस्तावित करता है कि पारिस्थितिकी तंत्र आमतौर पर संतुलन के रूप में अगर भूमिका निभाता है तो ये चीज़ें अत्यंत आवश्यक है। और बेसिकली ये हो क्यों रहा है, असंतुलित हो क्यों रहा है, क्योंकि जनसंख्या एक अहम भूमिका निभा रहा है, जनसंख्या का आकार ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं आप लोगों से तो मानव अधिकारों का संरक्षण भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मानव अधिकार संरक्षण एक अधिनियम है, आप लोगों ने पहले, मैंने आपको अभी हाल ही में इस पर जिक्र भी किया था, सन 1993 मानव अधिकार
अधिकारों की परिभाषा के अनुसार कहा भी गया था कि मानव अधिकार से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित है ना। और मैंने आपको चार स्तंभ के बारे में भी वहाँ पर जिक्र किया था। तो ऐसे अधिकार का जो तात्पर्य है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हों, है ना। तो इन परिप्रेक्ष्य में जो है ये शब्द रिलेट होता है। मैं चाहूँगा मानव अधिकारों के बारे में भी आप यहाँ पर ध्यान में रखिए। उसके बाद सामाजिक न्याय के प्रमुख रूप में उल्लेखनीय, यानी मैं अगर आपसे बात करूँ तो केवल एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है सामाजिक न्याय के बारे में। अब बात को बता दूं मैं आपको, समाजकारी बेसिकली सामाजिक न्याय पर ही बेसिकली बेस्ड है ना। एक न्याय संगत और निष्पक्ष सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है और ये निर्माण एक सामाजिक कार्यकर्ता ही करता है, ठीक है। और समुदाय के प्रत्येक सदस्य हेतु न्याय प्रदान भी किया जाता है। इसी प्रक्रिया में सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस जैसे शब्दों का शब्द जो है रिलेट होता है इसके अंतर्गत। सामाजिक न्याय है बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है सामाजिक न्याय भी, इसे मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। सामाजिक न्याय के, सामाजिक न्याय की मैंने आपको पहले बता रखा संसाधनों की पहुँच, समानता, भागीदारी, विविधता, मानवाधिकार, ये पाँच ऐसे उसके मुख्य सिद्धांत है। सामाजिक न्याय के पाँच सिद्धांत हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया संसाधनों तक ठीक है पहुंच, और दूसरा समानता, तीसरा आपका भागीदारी मतलब पार्टिसिपेट, ठीक है भागीदारी, चौथा विविधता, पांचवा मानवाधिकार। ये पांच ऐसे जो है सिद्धांत, ये सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं सामाजिक न्याय के, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ये बात आप ध्यान रखिएगा। सामाजिक न्याय, किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये बात सामाजिक न्याय आपसे बताता है, ठीक है। इतनी एक बार बता दी आप लोग सभी लोग कि समाज कार्य का जो क्षेत्र है ये आपको स्पष्ट हो गया है। तो मैं आगे आप लोगों को लेकर चलूंगा नेक्स्ट पॉइंट पर विचार विमर्श करूंगा। थोड़ा ऊपर। अच्छा ऊपर स्लाइड देखना, प्रीवियस स्लाइड सर हो गया क्लियर। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, देख लीजिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्लास रिकॉर्डेड है, ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे तो इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है। समाजकारी के कार्य, सामान्यतः समाजकारी के चार प्रकार हैं, है ना। मैं आपको बता दूँ समाजकारी के प्रकारों के बारे में, तो हालांकि आप सब भली भांति तरीके से रूबरू भी होंगे, आप सबको जानकारी भी होगी। जैसे केस वर्क वाली जो प्रक्रिया आती है तो वहाँ पर भी इसे समाजकारी के प्रकार के ही अंतर्गत मेंशन करते हैं, और हम वहाँ पे केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क जैसे शब्दों को रिलेट कर लेते हैं। तो वो एक प्रकार की भूमिका निभा देता है समाजकारी वहाँ पर, ठीक है। और जब हम लोग इसके प्रकारों में सामाजिक कार्य के बारे में जिक्र करते हैं तो एक उपचारात्मक भी टाइप मिल जाता है। तो उपचारात्मक टाइप, सुधारात्मक टाइप, विरोधात्मक टाइप, विकासात्मक टाइप भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से समाज कार्य के प्रकारों के बारे में बता देता है। ये भी समाज कार्य का प्रकार ही है ना। और देखो सामाजिक कार्य के प्रकार तो बेसिकली आप उनके क्षेत्रों के आधार पर बता सकते हो, है ना। जैसे मैंने वृद्धावस्था को लेकर बताया, बाल कल्याण को लेकर बताया, विकास की असमानता को लेकर, स्वास्थ्य देखभाल को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय समाज कार्य को लेकर, न्याय और सुधार को लेकर, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, ठीक है, मादक द्रव्य के उपयोग को लेकर, व्यावसायिक कर्मचारी सहायता कार्यक्रम के आधार पर भी, ठीक है, मतलब विभिन्न प्रकार के आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हो, है ना। तो उसके आधार पर भी प्रकार आप बता सकते हो। समाज कार्य के कोई पर्टिकुलर एक टाइप यहाँ पर मेंशन नहीं है। हाँ ये है कि कुछ आधारों पर, जैसे यहाँ अगर मैं प्रकार बोलता हूँ तो ये सामान्यता समाज कार्य के प्रकार है, जो आपने एक नाम सुना होगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स के बारे में, NASW। इनके आधार पे एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मैंने प्रशासन और मैनेजमेंट के बारे में बताया, है ना, एडवोकेसी, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, एजिंग के बारे में बताया, चाइल्ड वेलफेयर के बारे में, इसके अकॉर्डिंग आता है ये सब, हेल्थ केयर वगैरह जैसे अभी आप ऊपर पढ़ रहे थे उनके आधार पर आता है ये, ठीक है। चलिए फिर भी हम यहाँ पर बात करते हैं उपचारात्मक का तात्पर्य से, हम लोग थोड़ा थोड़ा सा जो मीनिंग है उनको हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए
उपचारात्मक कार्य के अंतर्गत समस्या की प्रकृति के अनुसार चिकित्सकीय सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाएं, मनोचिकित्सकीय और मानसिक आरोग्य से संबंधित सेवाओं, अपंग निरोग व्यक्तियों के लिए सेवाओं का पुनर्स्थापन संबंधित सेवाओं को सम्मिलित किया जा सकता है। इसका मतलब सिंपल है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, समस्या के नेचर को जानने का प्रयास कर रहे हो कि समस्या है क्या। समस्या क्या शारीरिक है तो चिकित्सकीय लगाइए, क्या बीमारी मानसिक बीमारी से संबंधित है तो मनोचिकित्सकीय लगाइए। जिस टाइप के साथ उस सेवार्थी में या उस ग्रुप में, उस कम्युनिटी में अपंगता है, उसके आधार पे उस पर टेक्निक लगाइए और उसे पुनर्वासित करिए और पुनर्वास करके उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़िए। वही क्रिया उपचारात्मक कार्य कहलाती है ना। अब बहुत सिंपल है, छात्र के लिए, सेवार्थी के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य, समय का उपयोग, पर्याप्त मार्गदर्शन की योजना जो बनाई जाती है, ये पार्ट ही बेसिकली उपचारात्मक कार्य को रिलेट कराती है ना। उपचारात्मक कार्य को उपचार करना, इलाज करना ही क्या कहलाता है, उपचारात्मक ही कहलाता है, रेमेडियल ही कहलाता है। जिस प्रकार एक डॉक्टर अपने मरीज की परेशानी का मूल जानने के बाद उसका इलाज करता है, ठीक उसी प्रकार एक सामाजिक कार्यकर्ता एक सेवार्थी की परेशानियों का जो बेसिक जानकारी है, जो कारण है, मूल कारण उनके जानने के बाद ही उसका निदान करेगा, फिर उसके बाद उपचार करेगा। ये बात आप जानते हैं, है कि नहीं। चीजों को सुधारना, किसी बुरी स्थिति को सुधारना, वो बेसिकली रेमेडियल कहलाता है या उपचारात्मक कार्य कहलाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे सामने सुधारात्मक कार्य आता है। जैसे कि आप सभी को पता है, सुधारात्मक कार्यों को लेकर भी अगर हम बात करें, या सुधारात्मक वर्ग की बात करें, या सुधारात्मक जब भी आप इस तरीके के चीज़ों को रिलेट कराते हैं, तो वो कहीं ना कहीं, अगर मैं आपसे बात करूं, तो ठीक करने या सुधारने की प्रवृत्ति को रिलेट कराता है। उसी के जैसा है रिमेडियल, या आप ये कह लीजिए कि उपचारात्मक जैसा ही है, लेकिन ठीक करने या सुधारने की प्रवृत्ति को बताता है ये। बस इतनी से अंतर है, उसकी प्रवृत्ति को बताना। तो कहने का भाव ये है कि सुधारात्मक कार्य के अंतर्गत व्यक्ति सुधार सेवाएं और संबंध सुधार सेवाओं तथा समाज सुधार सेवाओं को सम्मिलित किया जा सकता है। व्यक्ति सुधार सेवाओं में कारागार, सुधार सेवा, प्रोबेशन, पैरोल और कानूनी सेवाएं, संबंधित सेवाओं का उल्लेख किया जा सकता है सुधारात्मक कार्य में। तो ये बेसिकली प्रोबेशन पैरोल को रिलेट करा देता है इसके अंतर्गत, है ना। परीक्षा और पैरोल शब्द को रिलेट जब करता है, तो इसके ही अंतर्गत हमें देखने को इन चीजों को मिलता है, परीक्षा और पैरोल के बारे में, है ना। हालांकि मैंने आप लोगों को परीक्षा पैरोल के बारे में पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि यूनिट नंबर 9 और 10 हम लोगों ने कर चुके हैं, है ना। तो पैरोल बेसिकली एक कैदी को सजा का निलंबन के साथ रिहा करने की व्यवस्था होती है, उसको हम लोग पैरोल करते हैं। कैदी की रिहाई जब सशर्त होती है, तो आम तौर पर कैदी के व्यवहार पर निर्भर करता है, जिसमें समय समय पर अधिकारियों की रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है, है ना। तो उस शब्दों में इसको देखने को मिलता है। और जब हम यहाँ पर परीक्षा की बात करते हैं, यानी थोड़े दिन का अवकाश, है ना, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो जो परीक्षा है, वो परीक्षा की अवधि उसकी सजा की छूट के रूप में जाना जाता है, है ना। तो उन संबंधों में जब ये शब्द रिलेट होता है, तो उसी को हम लोग परीक्षा शब्द से संबोधित करते हैं, परीक्षा से, है ना। तो इसके कई ऐसे जो है भाव है, मीनिंग है, जो बेसिकली दर्शाता है परीक्षा। परीक्षा को प्रोबेशन भी कहा जाता है। लैटिन शब्द प्रोबेरे शब्द से बना हुआ है, परीक्षा करना बना हुआ है, यानी कुछ साबित करना बना हुआ है, इसका मतलब होता है एक प्रकार से, है ना। तो जो इसको रिलेट कराता है, अच्छे आचरण के लिए प्रोबेशन की रिहाई होती है। कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम उम्र का नहीं है, 21 वर्ष से कम उम्र का नहीं, मतलब उससे ज़्यादा का है, और ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसके लिए सजा या तो 7 साल की कैद या तो जुर्माना हो, तो उस जगह पे बेसिकली ये रिप्रेजेंट हो जाएगा प्रोबेशन वहाँ पे, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आती है इसके अंतर्गत, तो इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। परीक्षा सर पैरोल पैरोल बताया, तो पैरोल तो बेसिकली सिंपल शब्दों में आप ये कह सकते हो कि मैंने आपको इसके बारे में बताऊं तो मैं अब जो है एक मीनिंग, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया हो, वो प्रक्रिया बेसिकली पैरोल को रिप्रेजेंट करती है। हालांकि पैरोल
कैदी को खुद को छुड़वाने की अनुमति देता है ना, लेकिन पैरोल रिहाई का एक रूप है, केवल उन अपराधियों के लिए लागू होता है जो अपनी जेल की सजा काट रहे हैं, है ना, जो अपनी जेल की सजा काट रहे हैं। और देखो, पैरोल से इनकार करना, पैरोल किनको नहीं मिलेगा बताइए, जो भारत का नागरिक होगा, सॉरी जो भारत का नागरिक नहीं होगा उसे पैरोल नहीं मिलेगा, है कि नहीं, समझ रहे बात को ना, जो जो सर विदेशी जेल में विदेशी होगा और भारत में आकर कोई अपराध किया होगा, ठहराया गया और जेल में डाल दिया, तो उसे पैरोल नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और जिन्हें राज्य के खिलाफ अपराधों के दोषी पाया गया, जिसने कहा भाई राज्य के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, जो जेल के अनुशासनात्मक नियमों का उल्लंघन कर दिया हो, उनको नहीं मिलेगा। पैरोल बेसिकली दो टाइप का होता है, एक कस्टडी पैरोल होता है और एक नियमित पैरोल होता है, पैरोल दो टाइप का होता है, पढ़ा चुका हूँ, पैरोल की वीडियोज हैं आप देख लीजिएगा। कस्टडी पैरोल, आपातकाल पैरोल भी कहा जाता है उसे, आपातकाल पैरोल 14 दिनों के लिए परिवार के करीबी सदस्यों जैसे दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, बच्चों, जीवन साथी आदि की मृत्यु, परिवार के किसी सदस्य की शादी जैसे भाई बहन, छोटे बेटी बेटा आदि के शादी के लिए दी जाती है, वहां पे इसको कस्टडी पैरोल कहते हैं। एक नियमित पैरोल अधिकतम 1 महीने की अवधि के लिए होती है, आमतौर पर उन अपराधियों के लिए जिन्होंने अपनी सजा कम से कम 1 वर्ष को पूरा कर लिया है, उस कंडीशन में दिया। परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु या दुर्घटना हो जाए तो मिलेगी, जब दोषी की पत्नी ने बच्चों को जन्म दिया हो तब भी मिल सकती है, विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए मिल सकती है, जब किसी प्राकृतिक आपदा से उसके परिवार का जान माल की गंभीर क्षति हुई है तब मिल सकती है ना, ये कंडीशंस हैं, बहुत सारी रीजंस हैं वहाँ पर हमें इसको देखने को मिलते हैं, है ना। पैरोल एक होता है निरोधात्मक, एक कार्य होता है निरोधात्मक कार्य। इसके अंतर्गत अगर मैं बात करता हूँ तो सामाजिक नीति, सामाजिक परिनियम, जनचेतना उत्पन्न करने से संबंधित प्रौढ़ शिक्षा जैसे कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के कल्याण संबंधी कार्यक्रम या समाज सुरक्षा सेवाओं को उल्लेख किया जाता है। किसी कार्य, आवेग आदि को रोकना, बाधा डालना, गिरफ्तार करना, जांचना, प्रतिबंधित करना, है ना। कहने का भाव ये है कि अगर मान लीजिए समाज में कोई नीति सही तरीके से कार्य ना कर रही हो, है ना, कोई समुदाय है, उस समुदाय में वो जागरूकता ना हो, है ना, कोई कार्यक्रम है और वो भेदभाव सहित कार्य हो रहा हो, तो उन क्रियाओं को निरोधात्मक कार्यों के अंतर्गत, समाज कार्य क्या करता है, कार्य को रोकने का भी काम करता है, अवांछनीय व्यवहार को रोकने का काम करता है, और फिर जब उसको रोकेगा तो वांछनीय क्रियाएं आगे बढ़ेंगी, यानी नियम कानून, कार्यक्रम, योजनाएं, प्लान, सेवाएं, जो भी चीजें होंगी वो आगे बढ़ेंगी जब आप अवांछनीय क्रियाओं को रोकोगे। तो इस संदर्भ में आपको समझना है निरोधात्मक कार्य, है ना। तो कार्य करने के तरीके को रिप्रेजेंट किया गया कि 4 टाइप के बेसिकली मेंशन किए गए। और एक विकासात्मक कार्य, इसके अंतर्गत आर्थिक विकास, आप लोगों की आज क्लास तो नहीं हुई थी 1 to 2 PM, हमारा जो टॉपिक चलने वाला है मंडे को वो आर्थिक विकास ही चलेगा, यूनिट नंबर 8 के ही अंतर्गत हम लोग अभी बात कर रहे थे यूएनओ के बारे में, और नेक्स्ट क्लास जो होगी मंडे को वो आर्थिक विकास ही होगी, आर्थिक विकास और वृद्धि। तो विकासात्मक कार्य के अंतर्गत शामिल किया गया आर्थिक विकास की विविध प्रकार के कार्यक्रमों और उत्पादकता की दर में वृद्धि करना, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने, आर्थिक स्थानों पर साम्यपूर्ण वितरण करना, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना, मतलब आप ये कह लीजिए कि टोटली अगर मैं बात करूं विकासात्मकता के रूप में, केवल यही नहीं कि राष्ट्रीय आय को ही प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बढ़ाना है, विकासात्मक कार्य में आपको कार्यक्रम के माध्यम से जैसे पेयजल है, पौष्टिक आहार है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा और प्रशिक्षण जैसी संबंधित सेवाएं हैं,
सेवा योजना से संबंधित सेवाएं हैं, मनोरंजन संबंधित सेवाएं हैं इत्यादि का जो वर्णन है वो आपको विकासात्मक कार्य के अंतर्गत मिलेगा, है ना। डेवलप के एरियाज को ये बेसिकली कवर करता है। समाज कार्य के कुछ नेचर है, प्रकृति है समाज कार्य की, देख सकते हैं। शैक्षिक विषय के रूप में समाज कार्य की प्रकृति वैज्ञानिक है, मतलब किस नेचर, आपका नेचर कैसा है, ठीक उसी प्रकार सोशल वर्क का नेचर कैसा है, सोशल वर्क का नेचर वैज्ञानिक, वो वैज्ञानिक, हाँ जैसे कि क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध विज्ञान पर आधारित, इसलिए इसका नेचर वैज्ञानिक है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः विज्ञान किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को ही कहते हैं। विज्ञान संपूर्ण अनुभव किए जाने वाले जगत को समझने के लिए एक पद्धति है। यह वह पद्धति है जिसका लक्ष्य अंतिम सत्य की खोज करता है, अर्थात तथ्यों, प्रघटनाओं, वस्तुओं का विश्लेषण करता है ताकि इसके कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जा सके। और गुड्डे हार्ट ने एक बात कही है कि विज्ञान को एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान के संकलन के रूप में परिभाषित किया है। देखो समग्र प्रतिदर्श का एक लघुतर भाग होता है, इस तरीके से भी अगर कोई बात कहता है तो गुड्डेन हाथ कहता है। सोशल वर्क रिसर्च के अंतर्गत अगर किसी ने किताब लिखा कि सोशल वर्क रिसर्च मेथड करके, तब भी गुड्डेन हाथ का नाम आएगा। यदि विज्ञान को एक क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान को संकलित करता है तब भी नाम गुड्डेन हाट का आता है। तीन बातें बताया हो गुड्डेन हाट से, तीनों के तीनों परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। व्यवस्थित से तात्पर्य है कि किसी वस्तु के बारे में अध्ययन के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया गया यथार्थ या वास्तविक ज्ञान है। अतः विज्ञान का अर्थ प्रकृति या मानव विज्ञान से संबंधित घटनाओं के व्यवहार से संबंधित ऐसा व्यवस्थित ज्ञान है जिसका सत्यापन किया जा सकता है, जिसकी सहायता से उन्हें नियमित किया जा सकता है। तो नेचर इसका देखो वैज्ञानिक है, इसका नेचर तथ्यों और घटनाओं और वस्तुओं का विश्लेषण करना है, इसका नेचर सुव्यवस्थित तरीके से क्रिया का अध्ययन करना है, इसका नेचर घटनाओं और व्यवहार से संबंधित होता है, इसका नेचर सहायता के लिए रेगुलर काम करता है। ये नेचर है समाज कार्य का, आपका काम करने का नेचर ये सब है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब प्रकृति उसकी है ना। देखिए कार्ल पियर्सन महोदय और गुड्डेन हार्ट और स्टुअर्ट चैन ने विज्ञान को परिभाषा वैज्ञानिक पद्धति के रूप में देने का प्रयास किया है। यह जांच की एक शैक्षिक पद्धति है जिसमें किसी स्थिति, घटना, व्यवहार इत्यादि के बारे में समस्या का निर्माण किया जाता है। समस्या से संबंधित हाइपोथेसिस बनाई जाती है, परिकल्पना, उपकल्पना बनाई जाती है, फिर तथ्यों का संकलन करके उपकल्पना का परीक्षण किया जाता है। जांच का उस तरीके सभी विज्ञानों का एक जैसा ही होता है। कार्ल पियर्सन महोदय ने इस संदर्भ में तर्क दिया कि समस्त विज्ञान की एकता केवल उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय सामग्री में है। पियर्सन ने फिर कहा है कि विज्ञान वह पद्धति है जिसमें तथ्यों पर आधारित महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। विज्ञान की वस्तु संपूर्ण भौतिक संग्रह से है, टोटल संग्रह से, जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के तथ्यों का वर्गीकृत कर सकता है या वर्गीकरण करता है, उसके पारस्परिक यानी रेसिप्रोकल संबंधों का पता लगाता है और उनमें पाए जाने वाले क्रमों का वर्णन भी करता है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर रहा है और वही एक वैज्ञानिक व्यक्ति के माध्यम से ये क्रिया को बेसिकली किया जा सकता है। तो इस तरीके से कई विद्वानों ने भी डेफिनेशन के माध्यम से भी उसके नेचर को एक्सप्लेन किया है। संक्षेप में अगर हम बात करें तो विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान तथा तथ्यों एवं प्रघटनाओं को समझने के लिए एक निश्चित पद्धति है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं भी पाई जाती हैं, जैसे प्रामाणिक जो है प्रामाणिकता एवं सत्यापनशीलता का करें, ये नेचर है समाज कार्य का, ये भी नेचर है। प्रमाणित करने पर बल देता है, सत्यापित करने पर बल देता है। जो संकलित आंकड़े होते हैं उनको प्रामाणिकता की जाँच की कोई भी व्यक्ति जिसके बारे में उन्हें संदेह हो तो कर सकता है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। ओके ओके यस सर, आवाज नहीं आ रही आपकी।